नमस्कार, एक बार फिर से अप्रैल महीने का राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। मुझको कई लोग लिख रहे हैं कि आप जो इंट्रोडक्शन है, जो पंचांग से संबंधित और अन्य जानकारियाँ जो आप पेश करते हैं वो बहुत विस्तृत होती हैं, किंतु राशि विशेष के लिए थोड़ा मैटर कम पड़ जाता है। देखिए, 12 राशियाँ हैं और हर राशि का अलग अलग भाग्य का विधान है जो कि ग्रह चल पे निर्धारित होता है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, किंतु हर कोई अपनी कार्मिक गति पे चलते हुए अपने ही डेस्टिनी उसको ड्राइव करती है, जो कि जीवन में अच्छे और बुरे दौर से गुजरते हुए उतार और चढ़ाव महसूस करता है। अब ग्रह गोचर, 12 राशियां और इतनी बड़ी दुनिया, इसका भी कुछ ना कुछ मायने है। हर जीव पे, हर प्राणी पे इसका, ग्रहों की चाल का कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है, बट इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है कि हम इसको पूर्ण सत्य ही मान लें। इसकी कंट्रीब्यूशन हमारी डेस्टिनी में या हर इंडिविजुअल के लिए, गोचर का इफेक्ट आप कह सकते हैं कि रुपए में 25 पैसे है, मतलब कि 25%, 75% तो हम अपने पंचांग, जो कि हमारा जन्म पंचांग है, जो हमारी जन्म कुंडली है, उसमें जो दशाएं महादशाएं हमारी चल रही हैं उन्हीं पे ही हम निर्धारित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस परमात्मा ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं जो इस सिस्टम से भी परे जाके कई लोगों की ज़िंदगी में घटित होती हैं चमत्कार के रूप में। वो पैरलर एक अलग दुनिया चलती रहती है। अब मैं वर्तमान में आ जाता हूँ, अप्रैल महीने की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, अप्रैल महीने की शुरुआत ही मूर्ख दिवस से होती है। कितनी विचित्र विडंबना है कि हमारे मान्यताओं में अप्रैल हमारा सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है और इसको शुरुआत में ही फूल्स डे या अप्रैल फूल के नाम से 1 अप्रैल को अंग्रेज लोग मनाते हैं। इसका साफ सा मतलब है कि अंग्रेज इसको कब से मना रहे हैं इसका तो कोई व्याख्यान कहीं पे मिलता नहीं है, किंतु वर्तमान में ये ट्रेंड जब से हमने खुद ने होश संभाला है तो 1 अप्रैल को ये फूल्स डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ये साबित क्या करना चाहते हैं? ये अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी के नॉलेजेबल और वेल बिहेव्ड और उच्च नस्ल का मानते हैं और हम लोगों को शायद बहुत निम्न श्रेणी का मानते हैं, इसीलिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में इन्होंने संज्ञा दी हुई है कि माह की शुरुआत ही, जबकि हमारे यहाँ मेष की संक्रांति अप्रैल महीने में होती है, नई संवत का आगाज होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है और हमारे कई इम्पोर्टेंट तीज त्यौहार, नवरात्र वगैरह, ये सब भी ज़्यादातर इन्हीं दिनों में पड़ते हैं। इनकी अगर आप जिसको अंग्रेजी का कायदा कहते हैं या उर्दू वाले कायदे में भी आप देखें तो इन लोगों के यहाँ मूर्ख का जो चेहरा बनाया होता है उसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा ये हम पे व्यंग करने के लिए ही बनाया गया है। खैर, ये मेरा अपना सोचना है तो इसलिए मैंने इसकी व्याख्या इस तरीके से कर दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को ये चीज़ ना समझ में आए तो। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस माह देखिए कि 7 अप्रैल से 5 मई तक 5 शुक्रवार पड़ेंगे और इसी दरमियान 22 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। बृहस्पति राहु की मौजूदगी रहेगी, गुरु चंडाल योग तो रहेगा ही और इसके बाद देखिए कि मेष राशि पे कुंभ के स्वग्रही शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो शनि बहुत बलवान चल रहे हैं। मेष राशि राहु के रहते हुए थोड़ी पीड़ित भी चल रही है। बृहस्पति के आगमन से थोड़ा जरूर मेष राशि को चैन मिलेगा, किंतु जनमानस के लिए ये स्थितियां इतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, विस्फोट, अग्निकांड, तूफान, कहीं सूखा, कहीं ओलावृष्टि, इस तरीके के अनइवन माहौल हमें देखने को मिलेगा कुदरत का कहर के रूप में। और इसके अलावा पक्ष विपक्ष का आपस में टकराव बना रहेगा,
गुरु राहु की युति में पैदावार अच्छी होगी, अनाज और दालों में तेजी रहेगी और गुरु के मेष राशि में आने से भी धन धान्य की स्थिति बेहतर बनेगी। तो अप्रैल महीना कुल मिला के कुछ बेहतर इंडिकेशन दे रहा है, गुरु का मेष संक्रांति से माहौल थोड़ा बेहतर बनता चला जाएगा और फिर आगे ग्रहों का खेल जारी रहेगा। अब हम देखें इस माह के इम्पोर्टेंट दिन दिवस क्या बन रहे हैं। 4 अप्रैल को महावीर जयंती है, 5 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर गुरुराई है, 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 10 अप्रैल को सती अनसुईया जयंती है, 14 अप्रैल बैसाखी है, संक्रांति है सूर्य की मेष संक्रांति, इसके अलावा 14 तारीख को अंबेडकर जयंती भी पड़ेगी। अब हिस्ट्री में बैसाखी 1919 की, जो कि 13 अप्रैल को थी, जिस दिन जलियांवाला बाग का कांड हुआ और कितने लोगों ने शहादत दी, ये कोई भूला नहीं है। बैसाखी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी और ये दिन संक्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती है, इसी दिन को अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। अबुझ मुहूर्त रहता है, कोई भी शुभ कार्य है बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं, अति शुभ दिनों में गिनती होती है। जिस तिथि का कोई क्षय नहीं होता उस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। फिर 25 तारीख को शंकराचार्य जयंती है, 26 को माँ गंगा जयंती, 28 को माँ बगलामुखी जयंती और 29 को सीता माता की माता जानकी जयंती के रूप में मनाई जाती। इसके अलावा दक्षिण भारत में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी, 6 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा पड़ेगी, 20 अप्रैल को अमावस और 22 अप्रैल को ईद उल फितर, रमजान खत्म हो जाएगा और खीर वाली ईद ईद उल फितर के नाम से मनाई जाती है। मुस्लिम समुदाय के अलावा सभी लोग भारतवर्ष में इसे मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। ये तो थे त्योहार और अन्य इंपॉर्टेंट दिवस। अब हम ग्रहों की स्थिति पे भी चर्चा कर लेते हैं। मासारंभ में सूर्य मीन में रहेंगे और 14 तारीख को मेष संक्रांति करेंगे और मासारंभ में चंद्रमा कर्क में रहेंगे और 12 राशियों का भ्रमण करते हुए मास अंत तक सारी राशियों में घूम जाएंगे। मंगल जो कि बहुत लंबे समय तक वृषभ राशि में रहे, वो पिछले महीने मिथुन राशि में चले गए, तो ये महीना पूरा मिथुन में ही रहेंगे। बुध 31-3 को मेष राशि में आ चुके और मेष राशि में ही रहेंगे और 21 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। गुरु मीन राशि में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे और 21 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र मेष राशि में ही रहेंगे और वृषभ राशि में 6 अप्रैल को चले जाएंगे। शनि कुंभ राशि में, राहु मेष में और केतु तुला राशि में रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो अब हम विभिन्न राशियों से संबंधित राशिफल का शुरुआत करते हैं। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति राशि पर से गुजर रहे हैं, साथ ही अष्टमी सूर्य भी वहीं पे विराजमान है। बृहस्पति एकदम आखिरी अंशों पे पहुंच चुके हैं क्योंकि इस तारीख को राशि छोड़ के वो आपके धन स्थान में चले जाएंगे और सूर्य खष्टेश होके राशि पर से गुजर रहे हैं, तो वैसे ही बृहस्पति को अस्त कर दिए हैं, तो आप मान लीजिए कि भाई मीन राशि के लिए अब समय इतना बेहतर नहीं है। धन स्थान में राहु विराजमान है और फिर आगे सूर्य भी संक्रांति करके वहां पहुंच जाएंगे, राहु वहां पहले ही विराजमान होंगे, 12वें भाव में शनि, तो राशि जो है वो पाकत्री योग में आ जाएगी। बृहस्पति जरूर 21 तारीख को मूव करके आपके धन स्थान में जाएंगे किंतु बृहस्पति अस्त स्थिति में ही रहेंगे, जब तक वो जागृत होंगे ये महीना तो आपका प्रसन्न में बीतने वाला है। धन का खर्चा फटाफट
निकल रहा है, क्योंकि खर्चे के घर से बैठा हुआ शनि आपके धन स्थान को दृष्टि दे रहा है। इवन कि आपके आईसाइट वाली भी थोड़ी प्रॉब्लम जागृत होती हुई दिखाई दे रही है कि आपके किसी एक अंक में चोट लगना या उससे संबंधित दृष्टि से संबंधित किसी को चश्मा लगना या कोई और अन्य रोग उससे संबंधित तंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथे घर में मंगल, भागेश मंगल चौथे घर में। देखिए मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, किंतु चौथे घर में मंगल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, दिग्बल नहीं रहता है मंगल में, मंगल कमजोर हो जाता है, जो आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्रोध दे सकता है, माता के स्वास्थ्य संबंधित भी चिंता खड़ी कर सकता है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए खास समय ध्यान देने का है कि मंगल आपको कष्ट देगा, तो मंगल की शांति आपको करनी होगी, अपने बुद्धि कौशल का आपको सहारा लेते हुए योग प्राणायाम की शरण में जाएं, योग प्राणायाम करें, आपको बेहतर फलों की प्राप्ति होगी। वाणी स्थान में चार चार ग्रह बैठेंगे, कौन क्या बुलवा दे मुंह से इसका भी मुश्किल है, और इवन की खान पान भी डिस्टर्ब रहेगा। राहु तामसी प्रवृत्ति के हैं तो बृहस्पति सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सूर्य भी तीखी चीजें पसंद करते हैं, इवन की बात बोली भी कड़वी हो जाती है, बातों से भी हम अपने लोगों को अपना दुश्मन बना सकते हैं। इस ग्रह स्थिति में आपको बहुत सचेत रहना होगा और बड़े तरीके से चलना होगा। हाँ, 6 तारीख को शुक्र आपके प्रक्रम भाव में आ जाएंगे, तो छोटी बहन या छोटे जो आपसे हैं भाई बंधु उनसे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और केतु आपके 8वें रहेंगे। अगर खान पान के भाव में चार चार ग्रह होंगे और तामसी और क्रूर प्रवृत्ति के, तो केतु भी 8वें भाव में क्रूर ग्रह की गिनती होंगे, और अगर खान पान हमारा तामसी या इस तरीके का है, तीखा चटपटा चटूरा, तो ऑटोमेटिकली है कि फिर हमारे को अपने पाचन से संबंधित परेशानियां खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पाइल्स वगैरह से संबंधित जो पुरानी किसी को बीमारी है, किसी को परेशानी है, उनको भी कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मीन राशि के जातकों को बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर नहीं है। 7, 8 और 9 तारीख को 3 दिन चंद्राष्टम की स्थिति रहेगी, चंद्रमा केतु के साथ युति करेगा, डिप्रेशन की स्थिति बनेगी, मानसिक स्थिति बेहतर नहीं रहेगी, अवसाद के लक्षण उभरेंगे। ये सब स्थितियों से बचने के लिए एक तो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, गली के कुत्ते आवारा जिनको बोलते हैं, उनको भी खाने पीने की थोड़ी सी उनकी व्यवस्था करें, उनको भी थोड़ी चैरिटी करें, खाने पीने को कुछ ना कुछ दें, उनके भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे, उनके भी आपको कष्ट कटेंगे, केतु से संबंधित आपके दोष कटेंगे, आपको बेहतर फल प्राप्त होंगे। और इससे बचने के लिए दुर्गा माता की शरण में आप जाएं, और माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तती में से दुर्गा कवच को पठन करें, नित्य पठन करें, जब तक ये दौर है ये निकल ना जाए, आप माँ दुर्गा के दुर्गा कवच का नित्य पाठ करें सोने से पहले रात्रि में, तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और आपका आत्मबल भी बढ़ेगा और इन विकट परिस्थितियों में आप यूं निकल जाएंगे। धन्यवाद।